द 4-आवर वर्क वीक। इस किताब में ऑथर टिम फेरिस ने हमको बताया है कि कैसे हम अपनी जॉब करते हुए खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, और ये बिजनेस ऐसा होगा कि इसमें आपकी मेहनत जॉब से कम लगेगी पर इनकम जॉब से ज़्यादा होगी। इस वीडियो के अंत तक आपको एक अच्छा खासा अनुमान लग जाएगा कि ऐसा बिजनेस स्टार्ट कैसे करना है। ये बुक सबसे पहले वेल्थ या धन दौलत को लेकर हमारी जो सोच है उसको रिडिफाइन करती है। हम जनरली वेल्थ को पैसे से नापते हैं, मतलब अगर कोई इंसान ज़्यादा पैसे कमा रहा है तो हम उसको ज़्यादा अमीर मानते हैं और कम पैसे कमाने वाले को कम अमीर मानते हैं। पर असल में इस तरह का नज़रिया एक छोटा नज़रिया होता है। असल में केवल पैसे का अमाउंट ये नहीं बताता कि कोई कितना अमीर है। पैसों के अलावा दो और फैक्टर्स हैं जो हमें किसी भी इंसान की वेल्थ की एक साफ तस्वीर देते हैं। इन दो फैक्टर्स के नाम है टाइम और मोबिलिटी। आज की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एज में केवल पैसे की करेंसी नहीं बल्कि पैसा, समय और कभी भी कहीं भी घूमने की आज़ादी आपको अमीर बनाती है। एक अकाउंटेंट के पास पैसा तो आ रहा है पर काम इतना ज़्यादा है कि अपनी पसंद का कोई काम करने के लिए टाइम ही नहीं है। अगर वो ऑफिस छोड़कर चली जाए तो ऑफिस का काम ही रुक जाए। एक टेक्निकल सपोर्ट वाले के पास काम ज़्यादा नहीं है, कभी कोई प्रॉब्लम आती है तभी उसको बुलाया जाता है, पैसे भी मिल ही जाते हैं। पर अगर वो ऑफिस छोड़कर चला जाए और तब कोई इशू आ जाए तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है। वहीं एक ऑनलाइन कोचिंग देने वाला टीचर किसी भी जगह से कोचिंग दे सकता है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स बेचकर हमेशा कमाता रह सकता है और चाहे तो बस एक बार कोर्स तैयार करके काम ना भी करे तब भी कमा सकता है। ये बुक डील नाम की प्रोसेस बताती है। डील असल में 4 स्टेजेस हैं जिनसे होकर हमें गुजरना है। डी मतलब डेफिनेशन, ई मतलब की एलिमिनेशन, ए मतलब की ऑटोमेशन और एल मतलब की लिबरेशन। अब आगे हमारी वीडियो इन्हीं 4 स्टेजेस को डिटेल में एक्सप्लोर करेगी। पहली स्टेज डेफिनेशन। डेफिनेशन का मतलब होता है परिभाषा। इस स्टेज में हम बहुत सी चीज़ों को परिभाषित या डिफाइन करेंगे। इससे हमारे दिमाग में चीज़ों को लेकर जो क्लैरिटी आएगी वो हमें सही डायरेक्शन में चलते रहने के लिए मदद करेगी। हमारे दिमाग में कुछ ऐसे अजम्पशंस होते हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं, तो ऐसे अजम्पशंस को इस स्टेज में हम ख़त्म करेंगे। पहला पॉइंट, मनी इज नॉट वॉट यू आर लुकिंग फॉर। मतलब पैसा वो चीज़ नहीं है जो आप ढूंढ रहे हैं। हम खुश रहने की चाह में पैसे के लिए भागते रहते हैं। हम बहुत मेहनत करते हैं ताकि हमारी इनकम बढ़ती रहे, पर जब हमारी इनकम बढ़ती है तो हम देखते हैं कि हमारी खुशी हमारे इनकम के साथ बढ़ नहीं रही। हमारी समझ में नहीं आता कि लाइफ जा कहाँ रही है, हम कर क्या रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। इसका रीज़न यही है कि हमारी लाइफ में खुशी पैसे से नहीं बल्कि फ्रीडम और पावर से आती है। हम खुश तभी रहते हैं जब हम वो सब कुछ कर पाएँ जो करना चाहते हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो केवल तभी की जा सकती हैं जब आपके पास पैसा हो, पर सभी चीज़ें ऐसी नहीं होती। इसके बाद हमारी सोसाइटी में बहुत से गलत बिलीव्स या मान्यताएं चली आ रही हैं। सोसाइटी का एक बड़ा हिस्सा इन गलत बिलीव्स को मानता है। जैसे लोगों के बिलीव्स या सोच होती है वैसा जीवन वो जीते हैं। हमको अगर आगे जाना है तो हमको आम लोगों से थोड़ा अलग सोचना पड़ेगा। सबसे पहली सोच है रिटायरमेंट को लेकर। दुनिया में रिटायरमेंट का कॉन्सेप्ट ही गलत सोच पर आधारित है। रिटायरमेंट का कॉन्सेप्ट ये मान के चलता है कि जो जॉब या काम आप कर रहे हैं वो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, आप वो काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहते और इसलिए बस एक बार आपके पास इतना पैसा हो जाए कि आपको काम करने की ज़रूरत ही ना पड़े तो बस फिर आप आराम से घर पर बैठेंगे और कोई भी काम नहीं करेंगे। इस सोच में सबसे पहली गलत बात ये है कि इतना पैसा इकट्ठा कर लो जो जीवन भर ख़त्म ही ना हो, तो ये बात एकदम इम्पॉसिबल है। और दूसरी बात, हम ये मानकर चल रहे हैं कि हमको कोई भी काम नहीं करना है और बस बैठे रहना है, तो ये बात भी सुनने में तो अच्छी लगती है पर आप किसी भी इंसान को बिना किसी काम के कुछ महीने तक बिठा के देख लीजिए। किसी को कितना भी आराम दे दो पर अपना मन लगाने के लिए कुछ ना कुछ काम होना ज़रूरी होता है। बैठे बैठे कुछ दिन तो अच्छा लगता है, फिर बोरियत होने लगती है, फिर वो बोरियत फ्रस्ट्रेशन का रूप ले लेती है और फ्रस्ट्रेशन डिप्रेशन में तब्दील हो जाता है। इसलिए रिटायरमेंट की तरफ आशा लगाने का कोई मतलब नहीं है। तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन सिंपल सा है, काम वो करो जो आपको करना पसंद है। इससे काम करने में आपका मन लगेगा, आप उस काम को ईमानदारी से करोगे, उसमें प्रोग्रेस करोगे और रिटायरमेंट लेने की आपको ज़रूरत भी नहीं लगेगी। रिटायरमेंट का दूसरा अल्टरनेटिव है मिनी रिटायरमेंट्स।
हमारे इंटरेस्ट और हमारी एनर्जी साइक्लिकल होती है। बहुत सालों तक काम करने के बाद इंसान का मन करता है कि अब काम ना करे, और बहुत दिन काम ना करने पर मन करता है कि अब कुछ किया जाए। इसलिए अपने कैरियर के अंत में हमेशा के लिए रिटायरमेंट लेने का सोचने की जगह हमको हमारे कैरियर के बीच में छोटे छोटे रिटायरमेंट्स लेना चाहिए। एक छोटे रिटायरमेंट के बाद पूरी एनर्जी से फिर काम में लग जाओ, इससे आपका इंटरेस्ट और एनर्जी दोनों बने रहेंगे। हमारी अगली गलत सोच ये है कि हम कम काम करने को आलस से जोड़ देते हैं। कम काम करने वाला इंसान हमें आलसी लगता है और दिन भर काम करने वाला इंसान हमको मेहनती लगता है। कई वर्क प्लेसेस में एम्प्लॉयज़ को इस बेसिस पर जज किया जाता है कि वो ऑफिस में कितना टाइम बिता रहा है। हम ये भूल जाते हैं कि कहानी के अंत में जो एकमात्र चीज़ काम में आती है वो है रिजल्ट्स। पढ़ाई कितनी भी कर लो, अगर पास ना हुए तो पढ़ाई का कोई मतलब नहीं। प्रोडक्ट बनाने में कितनी भी मेहनत कर लो, पर अगर कस्टमर को पसंद नहीं आया तो वो बिकेगा ही नहीं। पिक्चर बनाने में कितनी भी मेहनत लगी हो, ऑडियंस को अगर पसंद नहीं आई तो फ्लॉप ही होनी है। इसलिए हमारा फोकस मेहनत पर कम और रिजल्ट्स पर ज़्यादा होना चाहिए। अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने पर हमारा फोकस होना चाहिए, ताकि हम कम काम करके भी अच्छे रिजल्ट्स दे पाएं। हमारी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी तो हम दूसरों के जितनी ही मेहनत करके उनसे कहीं ज़्यादा आगे निकल सकते हैं। अगली जो हमारी सोच गलत है वो है इनकम को लेकर। हम लोग एब्सोल्यूट इनकम पर फोकस करते हैं, मतलब हम बस ये देखते हैं कि कोई इंसान कितना कमा रहा है। जो इंसान ज़्यादा अमाउंट कमा रहा होता है उसको हम ज़्यादा अमीर मानते हैं, और जो इंसान कम कमा रहा होता है उसको हम कम अमीर मानते हैं। पर हमको देखना ये चाहिए कि कोई इंसान कितना काम करके कितना कमा रहा है। इस बात को मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। एक आदमी महीने के 40,000 कमा रहा है और दूसरा 60,000। नॉर्मली हम 60,000 कमाने वाले की इनकम ज़्यादा मानते हैं, पर अगर मैं बोलूं कि 40,000 कमाने वाला आदमी हफ्ते में केवल 5 दिन मतलब महीने में 20 दिन और 60,000 कमाने वाला आदमी हफ्ते में 6 दिन यानी महीने में 24 दिन काम कर रहा है, तो दोनों की पर डे इनकम कितनी होगी? 40,000 वाला आदमी कमा रहा है 2,000 रुपये पर डे और 60,000 वाला कमा रहा है 2,500 रुपये पर डे। अब अगर मैं ये कहूँ कि 40,000 कमाने वाला आदमी दिन में 5 घंटे काम करता है और 60,000 कमाने वाला आदमी दिन में 8 घंटे काम करता है, तो अब दोनों की प्रति घंटा कितनी इनकम होगी? अगर हिसाब लगाएं तो 40,000 कमाने वाला आदमी हर घंटे 400 रुपये कमा रहा है और 60,000 कमाने वाला आदमी केवल 312 रुपये ही कमा रहा है। इस केस में 40,000 कमाने वाले की रिलेटिव इनकम 60,000 कमाने वाले से ज़्यादा है। मान लीजिए कि 40,000 कमाने वाला व्यक्ति रिलेटिव इनकम को बढ़ाने की सोच रखता है और 60,000 कमाने वाला व्यक्ति एब्सोल्यूट इनकम की सोच रखता है, तो 40,000 वाला इंसान सोचेगा कि कैसे मैं अपनी रिलेटिव इनकम को इंक्रीज करूं। तो वो काम तो उतना ही करता रहेगा पर उसकी इनकम बढ़ती चली जाएगी। वहीं एब्सोल्यूट इनकम वाले की ये सोच है कि जितना काम करोगे उतना ही पैसा मिलेगा। अब एक 24 घंटे के दिन में आप 30 घंटे काम तो कर नहीं पाओगे, इसलिए एब्सोल्यूट इनकम वाला व्यक्ति एक दिन कहेगा कि इससे ज़्यादा तो कमाया ही नहीं जा सकता, इसलिए एक दिन उसकी ग्रोथ रुकनी ही रुकनी है। फाइनली ऑथर हमसे हमारे इलॉजिकल डर से छुटकारा पाने की बात करते हैं। हम हमारी लाइफ में आधे से ज़्यादा कदम तो अपने डर के कारण ही नहीं उठाते। डरना बुरी बात नहीं है, पर हम उस डर को ओवर एस्टिमेट करते हैं। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या अपना करंट प्रोफेशन चेंज करना चाहते हैं। आपको लगता है कि ऐसा करने के लिए आपको अपनी करंट जॉब छोड़नी पड़ेगी। अगर जॉब छोड़ने का एक्शन आप लेते हैं तो इसका कुछ आउटकम होगा। इस आउटकम को हम 0 से 10 के स्केल में रखते हैं। यहाँ 0 वो कंडीशन होगी जहाँ आपके एक्शन का कोई आउटकम नहीं निकलेगा, आपकी ज़िंदगी और बदतर हो जाएगी, सड़क पर आने और भूखे मरने वाली कंडीशन आ जाएगी। वहीं 10 वो कंडीशन होगी जहाँ आपकी ज़िंदगी आपकी डिसीजन के कारण पूरी तरह बदल जाएगी और आपने जो सोचा था उससे भी अच्छे रिजल्ट्स आपके पास होंगे। तो हमारे साथ प्रॉब्लम ये होती है कि हम पहले ही मान लेते हैं कि अगर बुरी आउटकम आई तो हम सीधे 0 पर पहुंचेंगे, सब बर्बाद हो जाएगा। जबकि हकीकत में रिजल्ट्स 4-5 की स्केल में ही आते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप कुछ दिन के लिए जॉबलेस रहेंगे और इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। मेरे साथ पर्सनली ऐसा हुआ है। मुझे अपने मन के प्रोफेशन में आने के लिए कुछ महीने जॉबलेस रहना पड़ा था और अब मैं खुशी खुशी अपने मन का काम कर रहा हूँ। अगर मैं पूरी लाइफ जॉबलेस रहने के डर से वहीं पुरानी जॉब कर रहा होता तो शायद आज मेरी लाइफ में सिवाय स्ट्रेस और डिप्रेशन के कुछ नहीं होता और आज आप ये वीडियो नहीं देख रहे होते। अब हम हमारी बुक के दूसरे पार्ट पर आते हैं। डील की दूसरी स्टेज है एलिमिनेशन।
इस स्टेज में हम हर उस चीज़ को अपने रास्ते से हटाएंगे जो हमारी मंजिल तक पहुंचने से हमको रोकती है। जॉब के साथ कोई दूसरा काम करने के लिए आपको टाइम की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपके पास टाइम ही नहीं होगा तो आप कैसे कुछ कर पाएंगे। तो इस पार्ट में हम उस टाइम को निकालने के तरीके देखेंगे। सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट बंद करें और सीधे वो काम करें जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। यहाँ हम परेटो के 80-20 प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे। हम जो भी काम करते हैं उसमें 80% काम का कोई खास रिजल्ट नहीं निकलता, केवल हमारा 20% काम ही हमको असली रिजल्ट देता है। इस चैनल के केस में अगर मैं बोलूँ तो मेरी वीडियोस की 80% सक्सेस मेरे वीडियो के कंटेंट से आती है। अगर स्क्रिप्ट अच्छी नहीं होगी तो वीडियो में मैं कितने भी स्पेशल इफेक्ट्स डाल दूँ, कितना भी सोशल मीडिया पर शेयर कर लूँ, अपने फ्रेंड्स को दिखाऊँ, पर किसी को मेरी वीडियो पसंद नहीं आएगी। इसलिए मुझे केवल स्क्रिप्ट पर अपना ज़्यादा टाइम देना चाहिए। अगर मैं सभी चीज़ों पर बराबर ध्यान दूंगा तो पता नहीं मुझे कितना टाइम लग जाएगा एक वीडियो बनाने में, क्योंकि वैसे भी मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं रहता है। इसलिए मेन काम पर फोकस रखें, बाकी चीज़ों को अपनी पेस पर चलने दें। टाइम को मैनेज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आपको टाइम मिलता है बस उस एक इम्पॉर्टेंट चीज़ को टाइम दो। दूसरा पॉइंट है सिलेक्टिव इग्नोरेंस का। जिस वक्त आपको ऐसा फील हो कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है उसी वक्त आपको रुक जाना है। कोई भी ऐसी चीज़ में टाइम देना ही नहीं है जो टाइम वेस्ट करे। अगर लग रहा है कि मूवी बोरिंग है तो कोई ज़रूरत नहीं है उसको आखिरी तक देखने की। रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कोई न्यूज़ आपके लिए सच में इम्पॉर्टेंट होगी तो वो खुद ब खुद आप तक पहुँच जाएगी। ज़बरदस्ती में इंटरनेट सर्फ करना, कई घंटों तक टीवी देखना, ये सब एक्टिविटीज़ आपको इग्नोर करना सीखनी पड़ेंगी। तीसरा पॉइंट है इंटरप्शन से डील करने का। जो काम आप पूरे फोकस के साथ एक घंटे में निपटा सकते हैं उसी काम में अगर बार बार डिस्टर्ब हों तो आराम से 3-4 घंटे लग जाते हैं। इसलिए कोशिश कीजिए कि कोई भी इम्पोर्टेंट काम बिना डिस्टर्ब हुए करें। आपका फ़ोन आपके लिए एक बड़ा डिस्टर्बिंग फैक्टर हो सकता है, इसलिए उसको ज़रूर बंद करके काम करें। ऐसी जगह पर बैठें जहां लोग आकर आपको डिस्टर्ब ना कर पाएं। अगर कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं तो इंटरनेट केवल तभी यूज़ करें जब ज़रूरी हो। चौथा पॉइंट है टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटीज़ को एक साथ निपटाने का। उन सारी एक्टिविटीज़ का पता करें जो हैं तो छोटी छोटी पर काम के बीच में आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं। किसी को कोई ईमेल भेजना है, किसी से फ़ोन पर बात करनी है, बाहर से कुछ खरीद कर लाना है या घर का कोई छोटा सा काम, इन सभी को एक बार में निपटा दें ताकि बाद में जब आप काम करने बैठें तो उसे बिना ख़त्म किए उठने की ज़रूरत ना पड़े। अब हम आते हैं डील की तीसरी स्टेज यानी ऑटोमेशन पर। इस स्टेज पर हम हमारे बिजनेस को ऑटोमेट करेंगे, मतलब कि हम ऐसे बिजनेस की बेस बनाएंगे जो हमारे बिना भी खुद ब खुद चल सके। इसके लिए ऑथर ने हमको सबसे पहला पॉइंट दिया है आउटसोर्सिंग का। इससे हम उन कामों की व्यवस्था करेंगे जो हमारे बिना भी हो सकते हैं। जैसे कि अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं उसके लिए इमेजेस, एनिमेशन और वॉइस का काम कोई भी कर सकता है। ऐसा करने से मुझे जो फ्री टाइम मिलेगा उसे मैं कोई बिजनेस स्टार्ट करने में लगा सकता हूँ। तो काम अगर आउटसोर्स हो सकता है तो उसको आउटसोर्स कीजिए, यही चीज़ आगे जाकर आपको फ्री करेगी। अगली स्टेप बहुत इम्पॉर्टेंट है, फाइंडिंग द म्यूज, आपका बिजनेस आइडिया ढूंढना। हमको ऐसा प्रोडक्ट ढूंढना है जो इतना सस्ता हो कि लोगों को उसको खरीदते वक्त सोचना ना पड़े, और इसको बनाने के बाद मैनेज करने के लिए आपको हफ्ते में एक दिन से ज़्यादा इसको ना देना पड़े। इस बिजनेस मॉडल पर इंडिया में जूम कार नाम की कंपनी काम कर रही है। उन्होंने मेट्रो सिटीज़ में जगह जगह साइकिल्स रख दी हैं जिनको उनकी ऐप के थ्रू कोई भी अनलॉक कर सकता है। साइकिल अनलॉक होते ही आपकी बिलिंग स्टार्ट हो जाती है। साइकिल के रेट्स हैं 3 रुपये पर 10 मिनट। यूज़ करने के बाद आप साइकिल को उनके पार्किंग एरिया में खड़ा करके लॉक कर दीजिए। आपका जो भी बिल होगा वो वहीं के वहीं पेटीएम से पे हो जाएगा। पार्किंग एरिया सिटी में जगह जगह मौजूद हैं। अगर कस्टमर को कोई डाउट या प्रॉब्लम आए तो वो इनकी वेबसाइट पर जा सकता है। एक कस्टमर को जितनी भी टाइप की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं वो सब इन्होंने पता लगा ली हैं, और उन सभी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन इन्होंने अपनी साइट पर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के फॉर्मेट में डाल दिए हैं। इसलिए इनको कस्टमर केयर सर्विस मेंटेन करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। साइकिल्स इन्होंने ऐसी यूज़ की हैं कि उनमें टूट फूट के चांसेस बहुत कम हैं। ओवरऑल हम बात करें तो ये एक बहुत ही कम मेंटेनेंस वाला बिजनेस है। ये इतना सिंपल है कि कोई टेक्निकल सपोर्ट की भी ज़रूरत नहीं है। ऑब्वियसली साइकिल्स में GPS सिस्टम लगा हुआ है। इस एग्जांपल में मैंने सारी स्टेप्स कवर की हैं, पर फिर भी मैं एक बार अलग से बता देता हूँ।
स्टेप वन, ऐसा मार्केट पता करो जो अफोर्डेबल है, जैसे 3 रुपए पर 10 मिनट में दी जा सकने वाली साइकिल्स। स्टेप टू, ब्रेनस्टॉर्म कीजिए ऐसा बिजनेस जो बिल्कुल सिंपल हो, जिसमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आने के चांसेस ही ना हो और FAQ के थ्रू कस्टमर्स के सारे सवालों के जवाब दिए जा सकें। स्टेप थ्री, बिजनेस को बड़े स्केल पर ले जाने से पहले उसको छोटे लेवल पर टेस्ट करो। एक सिंपल सी वेबसाइट बनाओ और गूगल एडवर्ड्स और फेसबुक वगैरह पर उसकी मार्केटिंग करो। कस्टमर के इनिशियल रिस्पॉन्स को देखो और पता लगाओ कि ये बिजनेस चल सकता है या नहीं। अपने नीच की टॉप 3 वेबसाइट्स पर जाओ और देखो कि आपका प्रोडक्ट उनसे अच्छा और अलग कैसे हो सकता है। स्टेप 4, मैनेजमेंट बाय एब्सेंस। ऐसा सिस्टम क्रिएट करो कि आपके प्रेजेंट ना होते हुए भी बिजनेस अपने आप चलता रहे। जैसे इस केस में कस्टमर खुद ही साइकिल लेकर जाता है, पेमेंट अपने आप होता है और खुद ही साइकिल वापस देकर भी जाता है। स्टेप 5, बिजनेस के शुरुआत में सारे काम खुद ही करो, जिससे कि आप आपके बिजनेस के हर एस्पेक्ट को जान जाओ। इससे आप आपके कस्टमर को भी अच्छे से जान जाओगे। स्टेप 6, अब जिन चीज़ों की ज़रूरत हो उनको आउटसोर्स कर लो। अगर हुआ तो आपके FAQ से ही काम चल जाएगा, पर फिर भी आपको कुछ लोग तो रखने ही पड़ेंगे। जिन भी लोगों को आप रख रहे हैं उन सभी को ये सारे FAQ समझाओ। स्टेप 7, केवल उन 20% कस्टमर्स पर फोकस करो जिनसे आपका 80% बिजनेस आएगा। सब कुछ कवर करने की कोशिश मत करो। अभी जो साइकिल रेंट करने वाली सर्विस की हम बात कर रहे थे, उनका मेन फोकस केवल उन्हीं जगह पर है जहां ऑफिस आने जाने वाले लोग ज़्यादा ट्रैवल करते हैं। आखिर में आती है हमारी चौथी स्टेज, लिबरेशन। इसमें हम हमारी जॉब से और एक ही जगह पर रहकर पैसे कमाने की बंदिश से आज़ाद होते हैं। अब जब आपने अपना छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर दिया है तो अपना फोकस जॉब से कम करके बिजनेस की तरफ लेकर जाएं। अपनी कंपनी से जितनी ट्रेनिंग ले सकते हैं उतनी ट्रेनिंग लें। इससे आप स्किल्स गेन करेंगे जो आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने के काम आएंगे। जितनी मिल सकती हैं उतनी छुट्टियां लें और उन छुट्टियों में अपनी प्रोडक्टिविटी को डबल करके अपनी कंपनी को तेजी से बढ़ाएं। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के तरीके हम पहले ही एलिमिनेशन वाली स्टेज में देख चुके हैं। अगर वर्क फ्रॉम होम यानी घर से काम करने का मौका मिलता है तो उसको सही तरीके से यूज़ करें। अपने ऑफिस का काम जल्दी से निपटाएं और बाकी बचा हुआ समय अपनी कंपनी को दें। अगर आप अपने बिजनेस से खुश हैं तो जॉब छोड़ने से डरे नहीं। इस वीडियो की शुरुआत में हमने जो वर्स्ट केस सिनेरियो वाली बात की थी उसे याद करें। आपको बस ऐसी सिचुएशंस के लिए कुछ सेविंग्स करके रखनी है और अपने खर्चों को कम करना है। धीरे धीरे सब कंट्रोल में आ जाएगा। लंबे रिटायरमेंट की जगह मिनी रिटायरमेंट्स लें। ऐसी जगहों पर घूमने जाएं जो बहुत सस्ती हैं, जहां आप कम खर्चा करके भी बड़े शौक पूरे कर पाएं। जिस कंट्री की करेंसी आपकी करेंसी से सस्ती होगी वहां आप ऐसा कर पाएंगे। ये ट्रिप्स आपके लिए लाइफ चेंजिंग होंगी, क्योंकि इनमें आप दुनिया के कई पहलू देखेंगे। और अपने मिनी रिटायरमेंट से जब आप वापस आएंगे तो आपके पास एक नया जोश होगा, जिसकी मदद से आप पहले से भी ज़्यादा मेहनत कर पाएंगे। तो अगर मैं इस बुक को एक लाइन में समझाऊं तो मैं कहूंगा कि आपको रोकने वाले फालतू के अजम्पशंस से छुटकारा पाइए। ऐसा हर काम जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसको अपने रूटीन से बाहर निकालिए। अपनी इनकम को ऑटो पायलट पर डालने वाला बिजनेस स्टार्ट करिए और अपने फ्रीडम ऑफ लोकेशन को एंजॉय कीजिए। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।